नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं आपका लोकप्रिय चैनल हंगामा टाइम्स न्यूज़। कहा जाता है शिक्षा वो हथियार है जिससे हर आदमी समझदार बनता है और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ पाता है, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त है। क्योंकि 5 महीने पहले हमने लखनऊ राजधानी की एक खबर दिखाई थी जिसमें शिक्षिका रीता यादव पर गंभीर आरोप लगे थे। गंभीर आरोप लगाने वाला कोई बाहरी नहीं, स्कूल के प्रधानाचार्य सरवन थे और उसके साथ साथ क्षेत्रीय प्रधान थे। स्कूल के प्रधानाचार्य सरवन ने कई गंभीर आरोप शिक्षिका रीता यादव पर लगाए कि 2 वर्षों से वो पढ़ाने तक नहीं आती। उसके बाद हंगामा टाइम्स न्यूज़ की टीम ने वहां पर सर्वे किया और एक खबर प्रकाशित की। संबंधित बेसिक शिक्षा विभाग के बेसिक शिक्षा अधिकारी अरुण कुमार से हमने इस मामले को लेकर बात की। खबर करने के दौरान कई चीज़ें प्रकाश में आई। रीता यादव पर 6 आपराधिक मुकदमे भी हैं, 2 वोटर कार्ड भी हैं, मतलब जालसाजी में लिप्त है। उसके साथ साथ खंड शिक्षा अधिकारी रामराज द्वारा इसकी जांच बेसिक शिक्षा अधिकारी अरुण कुमार द्वारा दी गई और खंड शिक्षा अधिकारी रामराज ने इसमें जाँच की, तफ्तीश की। तफ्तीश के दौरान एक रिपोर्ट तैयार हुई। रिपोर्ट में शिक्षिका दोषी पाई गई। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी हमें मिली। 5 माह बीत जाने के बाद भी बेसिक शिक्षा विभाग के निदेशक अधिकारी इस मामले को लेकर मौन है। मतलब शिक्षा विभाग को लगातार चूना लगाने का काम ऊपर से लेकर नीचे तक ये अधिकारी कर रहे हैं। हंगामा टाइम्स न्यूज़ लगातार भ्रष्टाचार की पोल खोलने के लिए काम कर रही है। वो चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे कोई भी सरकारी विभाग हो, क्योंकि सरकार एक मोटा बजट खर्चा करती है ताकि बच्चों की शिक्षा बेहतर हो सके। लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग लखनऊ के अधिकारी इस पूरे मामले पर भ्रष्टाचार में लिप्त नजर आ रहे हैं। हम आपको वो पुराना वीडियो भी दिखाते हैं और बेसिक शिक्षा अधिकारी अरुण कुमार का वो बयान भी दिखाते हैं कि किस तरह से उन्होंने दावे किए थे कि दोषी शिक्षिका पर कार्रवाई की जाएगी। श्रवण कुमार ने एक और गंभीर आरोप जांच के दौरान लगाया कि उनकी अटेंडेंस को हैक करके शिक्षिका रीता यादव ने फर्जी अटेंडेंस लगाई। आखिर इन फर्जी अटेंडेंस के बाद भी शिक्षिका पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या ऊपर तक पहुंच है इन शिक्षिका की, या योगी सरकार के सिर्फ दावे ही हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाएंगे? आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की राजधानी में ही बेसिक शिक्षा विभाग के कई अधिकारी इस मामले में लिप्त और संदेह की नज़र से देखे जा रहे हैं। क्योंकि मामला लंबा पुराना होता चला जा रहा है, उसके बाद भी शिक्षा विभाग के ये अधिकारी इस मामले को लेकर गंभीर नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि जब हमने इस खबर को करना शुरू किया तो हम पर भी आरोप लगे। शिक्षिका द्वारा मुख्यमंत्री से शिकायत भी की गई, लेकिन शिक्षिका पर कोई कार्रवाई इस मामले को लेकर नहीं हुई। शिक्षिका रीता यादव आज भी उस तरह से फर्जी अटेंडेंस लगा रही हैं, होंगी, क्योंकि अगर दोषी थी शिक्षिका तो आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बेसिक शिक्षा अधिकारी इस सवाल से लगातार भागते हैं। हमारा तो अब फ़ोन उठाना भी उन्होंने बंद कर दिया है। निदेशक विजय किरण आनंद थे, उनके द्वारा भी इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार की ये डोर मजबूत हो चुकी है। अब देखने की बात है कि योगी सरकार क्या इस पूरे मामले पर दोषी शिक्षिका रीता यादव पर कोई कार्रवाई कर पाएगा, या जो सरकार के दावे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाएंगे, लगातार भ्रष्टाचार यूं ही होता रहेगा। आइए आपको दिखाते हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़ की फॉलो अप न्यूज़ में एक विशेष रिपोर्ट। जैसे कि आपके द्वारा और मीडिया बंधुओं द्वारा जानकारी दी गई, मैं त्वरित कार्रवाई करते हुए वहाँ के बीओ को तत्काल मैंने कहा कि विद्यालय में जाएं और निरीक्षण कर लें क्या एक्शन में आप कार्य कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और जो रीता यादव जो अध्यापिका हैं किस छुट्टी के तहत या किसके अधिकार के तहत जो हैं वो ये सब कार्य कर रही हैं, और विद्यालय में उपस्थिति उनकी कैसे दर्ज नहीं हो पा रही है, उसका क्लेरिफिकेशन करके भेज दें। मैं तत्काल जो है कल ही यहाँ से पत्र जो है निर्गत कर दिया है। चूँकि मैं अभी 18 जुलाई को आया हूँ तो संज्ञानित अभी इस तरह से नहीं हो पाया है,
लेकिन मैं विभागवार उसको संज्ञानित करके उस पर जो है आवश्यक कार्रवाई करूंगा, और जो भी इसमें अगर संलिप्त पाया जाएगा, जो इसने तथ्यों को छुपाने में जिसका सहयोग होगा, मैं उस पर भी कार्रवाई करूंगा। ढाई वर्षों से रजिस्टर पर अनुपस्थिति दर्ज हो रही है, तो विद्यालय का रजिस्टर अटेंडेंस अब इसके बारे में स्पष्ट तो नहीं कर सकता है, लेकिन कहीं कहीं जानकारी जरूर होगी। उस जानकारी को किसके स्तर पर छिपाया गया या उसको क्यों सार्वजनिक नहीं किया गया, इसमें किसकी संलिप्तता है, इसकी जांच कराई जाएगी और नियमानुसार उस पर कार्रवाई करूँगा। चूँकि मामला जो है बड़े स्तर का है और इसमें बच्चों के पठन पाठन से संबंधित प्रकरण है, आप अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन ठीक ठाक से नहीं कर रहे हैं और बच्चों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं, तो इसके जो भी आरटी के तहत जो भी नियम कायदे बनते हैं उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। हेलो हेलो, बीएस से बात कर रहे हैं लखनऊ जी? कैसे भाई साहब? बस ठीक ठाक है, आप? मैं शिवम सिंह बात कर रहा था, पत्रकार हंगामा टाइम्स न्यूज से। मैं जब एक मामले को लेके फोन किया था, रीता यादव वाले मामले को लेके, चिनेहट पश्चिम का है मामला जी। महोदय, इस पे जो है 2.5 साल से ये जो शिक्षक हैं पढ़ाने नहीं आते थे, इस मामले को लेके जो है चल रहा था, अभी तक इस पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? नहीं, 2.5 साल से जो आप बता रहे हैं कि वहाँ विद्यालय नहीं पढ़ाई रही है, जी जी, ऐसा नहीं है। उसकी जो रिपोर्टिंग की गई है, जो रिपोर्ट वहाँ लगी है जी, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, उनकी आइडिया भी कुछ डबल डबल के मामले में वो आई थी, 6 मुकदमे उनके ऊपर। ऐसा कैसे हो सकता है कि शिक्षक के ऊपर इतने मुकदमे और कॉलेज के अंदर पढ़ाई चल रही हो? मुकदमों के बारे में जानकारी हमें नहीं, विभाग के बारे में न विभाग को अवगत कराया गया उनके ऊपर कोई मुकदमा है। अच्छा अच्छा जी, आप लोगों को जानकारी नहीं है कि उनके ऊपर कोई मुकदमा है? नहीं, उन्होंने विभाग के द्वारा इधर कुछ बताया नहीं गया है, उनके द्वारा किसी शिकायत नहीं की गई है। अच्छा 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 भाई साहब, हमने एक वीडियो देखा है जिसमें आपने जो है कहा है कि कोने आपको इसकी जानकारी है कार्रवाई करने की, जो कि आपने जो है उस पर बोला भी वीडियो में, और 5 महीने पहले की वीडियो है। हाँ जी, इसकी जानकारी आपको है, आप बातों को छुपा क्यों रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। नहीं भाई, हमें बातों छुपाने की क्या जरूरत है? नहीं, आपने वीडियो में बोला भाई साहब, मैंने आपको जो है सारी चीजें आपको व्हाट्सएप कर दी। आप हमसे जो उस समय लिए थे ना बाइट जो लिए थे? हाँ नहीं, हाँ मैं दूसरे चैनल से हूँ। हाँ, जो कार्यालय में आप, अच्छा आप दूसरे चैनल से चले आए हैं जी? आप जब उस समय मेरे कार्यालय में आए थे तो उसे बाइट लिया था? नहीं, अभी जब मैंने आपसे बात किया, जब अभी मैंने आपसे बात किया था तो आपने ये चीज मुझे बोली कि मुझे इसकी जानकारी नहीं थी ना है, और उस वीडियो के माध्यम से आपने बताया कि इन पे कार्रवाई की जाएगी, सारी चीजों को आपने बताया। आपने जब मैं इससे पहले बार पूछा था तो मैंने यही बात कही थी ना, इस पर कार्रवाई की जाएगी, इसकी जांच करवा लेता हूँ। ठीक, नहीं अभी आपराधिक मुकदमों की मैं बात कर रहा हूँ महोदय। हाँ, जो भी मुकदमे हैं उनके ऊपर। अभी जब मैंने आपसे बात किया तो आपने कहा इसकी जानकारी मुझे नहीं है, फिर आपने वो अभी जब मैंने वीडियो देखा तो आपको सारी जानकारी थी, आपने बात को क्यों छुपाया? मैं ये जानना चाहता हूँ। बात को मैं बिल्कुल नहीं छुपाया हूँ, जो मैं उस समय आपसे बात किया था वो याद यही बात कर रहा हूँ। जो रिपोर्ट आई है, जो कमेटी द्वारा जो रिपोर्ट किया गया है, उसमें इन सब चीजों का कहीं जिक्र नहीं किया गया। इसकी जानकारी आपको है या नहीं है? किस चीज की? आईडी, और एक मामला और भी आया था कि आईडी हैक करके अटेंडेंस लगा रही थी। हाँ, क्या इसकी जानकारी आपको है? उसकी जांच करवाई गई। तो अभी तक क्या हुआ उस पे? कोई जांच का रिजल्ट आया? किस प्रकार की कार्रवाई हुई? उसमें सत्यता नहीं पाई गई अभी कुछ। अच्छा जी, ये तो आपसे बात हुई थी उस समय। अच्छा, 5 महीने में जांच ही नहीं हो पाई, ऐसी कैसे जांच नहीं हो पाई? उसकी रिपोर्ट लग गई, जांच हो गई। अच्छा जी, अच्छा, तो यानी कि मैं ये मानूं कि कार्रवाई नहीं हो पाएगी और जांच आप लोग नहीं करा पाएंगे? नहीं नहीं, जो नियम संगत था, जिस पर जो क्वेरी की गई, वो सब चीजें पाई गई ना।
जी जो चीजें आपने क्वेरी किया था, जो इस तरह से जो बहुत सारी चीजें लगाई गई थी इसके ऊपर, वो सब चीजों को सत्ता की जांच की गई, उसमें बहुत सारी चीजें फॉल्स पाई गई। जी ठीक, मैं भी वही बात कह रहा हूँ, आप ही वाली है थोड़ी है। उपखंड अधिकारी बोले तो दोषी थी। हाँ बात किया, उपखंड अधिकारी बोल रहे थे कि दोषी है। अब ऑन पेपर जो चीजें हैं उस पर देखा गया है, उससे उसकी दोषिता नहीं पाई गई है। अच्छा, इसीलिए अब वो विद्यालय जब से जा रही है उसका वेतन रिलीज किया गया है। अच्छा ठीक, ओके भाई, धन्यवाद।